हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर गुड गाइस। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। गर्मियाँ आ गई हैं एंड गर्मी आते ही सबके दिमाग में होता है चिकनकारी कुर्तीज, कॉटन की कुर्तीज। मैं तो बहुत ज़्यादा चिकनकारी कुर्ती पहनती हूँ गर्मियों में, एंड ऑफकोर्स आपको भी बहुत पसंद है चिकनकारी कुर्तीज। मैं लेकर आई हूँ चिकनकारी कुर्तीज जो मैंने मीशो से ली है। मैंने स्पेशली ब्लैक एंड व्हाइट चिकनकारी कुर्तीज ली है, जो मेरा बहुत ज़्यादा मन था। यू नो, ब्लैक और चिकनकारी और व्हाइट चिकनकारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। सो मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं ब्लैक एंड व्हाइट चिकनकारी कुर्तीज दिखाऊंगी, बट तो कुछ रीजन से ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कुछ ब्लैक आइटम्स मंगाए थे, मिशो ने मुझे कुछ कलरफुल आइटम्स भेज दिए, इसलिए मुझे इनमें कुछ कलर्स भी ऐड करने पड़ रहे हैं। जो के रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी आपको उनके चिकनकारी कुर्तीज की, तो आप वीडियो पूरा देखें, मिस नहीं करें क्योंकि इंट्रो में वो बहुत लंबा हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। मिशो लिंक प्रोवाइड नहीं करती है, मिशो प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट कोड। सो जितने भी प्रोडक्ट कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, एंड जो भी एक्सेसरीज मैंने पहनी है या जो भी हील्स मैंने पहने हैं सबका डिटेल आपको वॉइस ओवर में मैं दूंगी आगे। चिकनकारी कुर्तीज में मैंने पैंट्स कौन सी ली है, स्लिप कौन सी ली है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। सो मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कॉमेंट में बताना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी। नाउ वी डॉट अ फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। My first item is this very beautiful white and black chikankari kurti set, and इस पर मैंने slip जो wear करा है वो खुद का wear करा है। मेरे पास ऐसे slip पड़े हुए थे cotton के, इसलिए मैंने with slip नहीं मंगाया, थोड़े से पैसे मैंने यहाँ पर बचा लिए। बट आपको चाहिए तो आप slip के साथ भी मंगा सकते हो। एक्स्ट्रा slip आपको मिशो में 250 रुपये की मिलती है, तो जो भी कलर आपको चाहिए आप ले सकते हो। सो ये चिकनकारी थोड़ी डिफरेंट है, इसकी जो स्लीव्स है वो बेल स्लीव्स है प्लस लेयर्स है, टू लेयर्स है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट पिक करा है क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे चिकनकारी हॉल्स मीशो से ही बनाए हैं और मैंने बहुत सारे वैरायटीज दिखाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर ले। इसलिए मैंने इस बार ये थोड़ा डिफरेंट ढूंढा है। तो व्हाइट कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स की चिकनकारी कुर्ती है, पूरे नेकलाइन पे यू नो वर्क करा हुआ है, एंड छोटी छोटी पूरी कुर्ती पे वर्क करा हुआ है। साथ में आपको बैक पे भी छोटे छोटे से वर्क करे हुए, बैक में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है। जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ऑसम है, क्योंकि लास्ट ईयर की कुर्ती सेट्स में पहन रही हूँ अब तक और वो एज इट इज़ है, बिल्कुल यू नो जैसी कि तैसी। सो अभी तक कुछ हुई नहीं है, तो इसलिए मैं 100% रेकमेंड कर सकती हूँ ये मटेरियल। सो ये प्लाजो के साथ है, बहुत ही स्ट्रेचबल प्लाजो का मटेरियल है, लाइक मिक्स काइंड ऑफ कॉटन, और उस पर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यू नो थ्रेडवर्क करा हुआ है, और थाई के पास बिल्कुल भी आपको टाइट नहीं होगी, और इलास्टिक दी हुई है तो बहुत आराम से एक्सल तक को फिट हो जाएगी। मेरा साइज इस पर लार्ज है और मैंने इसे स्टाइल करा है सिल्वर ज्वेलरीज के साथ, क्योंकि गाइस मुझे सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे चिकनकारी कुर्तीज़ में ना आप सिल्वर ज्वेलरी डालोगे तो वो उसका लुक को और खिलकर आता है, जैसे आप देख सकते हो। गर्मी का टाइम में स्टाइल करना है, मैंने बन बना लिया है क्योंकि ओपन हेयर उस पर अच्छी नहीं लग रही थी। आप चाहो तो ओपन हेयर ट्राई कर सकते हो। सो जितनी ज्वेलरीज है सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ अमेजोन से है, कुछ मिंत्रा से है, हाईली रिकमेंड करूंगी। बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती सेट है, आपको कैसे लगी आप कॉमेंट में ज़रूर। सो माई नेक्स्ट आइटम इज दिस अगेन वाइट कलर की कुर्ती सेट। सो फर्स्ट में मैंने आपको ब्लैक कॉम्बिनेशन दिखाया था, इस पर मैं फुल वाइट कॉम्बिनेशन दिखा रही हूँ। ये 3-piece सेट मुझे रिसीव हुई है, कुर्ता दुपट्टा एंड ये लेगिंग्स मुझे मिली है। सो स्लीप मैंने सेम वेयर करा है जो लास्ट फर्स्ट वाले में मैंने वेयर करा था। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती सेट है, इसको अगेन मैंने खूब सारे सिल्वर ज्वेलरीज के साथ स्टाइल करा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि सिल्वर ज्वेलरीज के साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के साथ ये जो चिकनकारी का लुक है वो बहुत खिलकर आता है। तो ये भी बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है गाइस। इसका जो नेकलाइन है वो बहुत ही छोटे छोटे यू नो बहुत ही छोटे छोटे से थ्रेड वर्क करा हुआ है, एंड छोटी छोटी सी बूटियाँ पूरी कुर्ती पे ऑल ओवर बनी हुई है। जॉर्जेट मटेरियल है, दुपट्टे का सिफॉन मटेरियल है, एंड लेगिंग्स में भी फुल वर्क करा हुआ है। नीचे को कुर्ती में आपको भी वर्क मिलेगा जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड जो लेगिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। मैंने लार्ज साइज मंगाई है बट ये एक्सल तक को आराम से फिट होगी। एंड बेस्ट थिंग इस लेगिंग्स की ये है कि ये मैं लाइक आप ऊपर भी कर सकते हो, और ये बिल्कुल भी यू नो कि स्लिप करके नीचे नहीं आएगी, बहुत स्ट्रेचेबल है। तो थोड़ा मैंने लेगिंग्स लॉन्ग थी तो उसे मैंने एंकल लेंथ बना लिया। ज्वेलरीज अमेजोन से है, कुछ मिंत्रा से है, हील्स के लिंक आपको माई हील्स पे मिल जाएगी क्योंकि मैंने हील्स की ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। साइज़ लार्ज है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती सेट है, हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको वाइट पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हो। आप इस पर ओपन हेयर भी रखोगे तो
तो इतना ही ब्यूटीफुल लगेगा जितना ये अभी लग रहा है। सो मैंने इस पे नोज पिन भी डाला है सिल्वर कलर का। दो तीन ज्वेलरीज ट्राई करने के बाद एक्चुअल में समझ में आता है कि कैसी ज्वेलरीज जाएगी। सो आप जब भी स्टाइल करो मेक श्योर करो कि एक दो ज्वेलरीज ट्राई करो और जो भी बेस्ट लग रहा है उसके साथ आप स्टाइल कर सकते हो। मैंने इस पे सिर्फ सिंगल एंकलेट डाला है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताएँ। सो माई नेक्स्ट कुर्ती सेट इज दिस ब्लैक कुर्ती, लाइक चिकनकारी ब्लैक पे ब्लैक वर्क करा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज। एंड कुर्ती के साथ इस पे आपको शरारा मिल रही है, स्लिप और दुपट्टा मैंने खुद का वेयर करा है क्योंकि मेरे पास ब्लैक स्लिप पड़ा हुआ था। सो इसका जो वर्क है मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी यू नो प्रॉब्लम हो रही है ब्लैक पे ब्लैक कैच करना, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है कि मैं आपको दिखा सकूँ। सो फुल चिकनकारी वर्क है, शरारा बनी हुई है, उस पर थ्रेडवर्क बनी हुई है और ये प्लाजो नहीं है, ये कलियां वाली शरारा है जिसकी जो चौड़ाई इतनी है और इनर लाइनिंग के साथ है, शरारा से थोड़ी सी ऊपर इनर लाइनिंग है। बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है, बहुत स्ट्रेचेबल है, बिल्कुल भी थाई के पास फिट नहीं होगी क्योंकि मेरी खुद की पेयर शेप बॉडी है तो मुझे फिट नहीं हो रही है, तो फिर वैसे भी नॉर्मल को तो बिल्कुल भी फिट नहीं होगी। बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, कंफर्टेबल होगी, जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है, पूरे नेकलाइन पर वर्क करा हुआ है। इस पर भी मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डाली है क्योंकि चिकनकारी कुर्ती वाइट हो ब्लैक हो और इस पर ऐसे ज्वेलरीज ना डालो तो लुक ही नहीं मतलब खिलकर आएगी। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ज्वेलरीज के साथ ही स्टाइल करो, इस पर भी बन करोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और बैक में बस इस पर एक फ्लावर बना हुआ है, फुल ब्लैक पे इस पर वर्क नहीं है। इस पर मेरा साइज लार्ज है, हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ब्यूटीफुल है। लास्ट साइज थोड़ी सी मुझे लूज़ होती है बट मुझे चिकनकारीज में लूज़ पहनना पसंद है। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पर ज़रूर से बताएँ। माई नेक्स्ट कुर्ती सेट इज दिस पिंक कलर की कुर्ती सेट, और गाइज ये पिंक कलर के बदले मैंने वाइट कलर मंगाया था, लाइक वाइट कलर पे ये मल्टी कलर था कुर्ती और प्लाजो दोनों, बट उन्होंने मुझे ये पिंक कलर भेज दिया। सो पिंक कलर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बट मेरा मन था कि मैं वाइट एंड ब्लैक हॉल करूँ बट वो नहीं मिला, इसलिए मैंने थोड़े कलर्स ऐड कर दिए। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती सेट है ये, एंड ये मुझे 40 साइज रिसीव हुई है, एम और एम साइज को साइज 40 कहते हैं, तो ये मुझे 40 रिसीव साइज हुई है। और इस पे आपको प्लाजो, ये शरारा काइंड ऑफ प्लाजो मिल रही है, इनर मिल रही है और आपको कुर्ती मिल रही है। तो बहुत ही मल्टी कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लाजो आपको मिल रही है। कलर मुझे पिंक फ्रैंकली बहुत पसंद आया, और इस पे सिर्फ एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो उसकी इनर है। लाइक आपको एक तो डार्क कलर की कुर्ती मिल रही है, लाइट कलर की इनर मिल रही है, वो भी काम चल जाए, बट उन्होंने क्या किया है ना, 44 साइज की मुझे ये स्लिप भेज दी है तो वो बाहर निकल जा रही है। लाइक शूट करते वक्त मैं मोड़ मोड़ कर किसी तरीके से यू नो शूट कर लिया मैंने, बट एक्चुअल में आप ये नहीं पहन सकते हो, तो इसलिए मिशो ऐसी करती है। लाइक कुर्ती 40 साइज भेज रही है, इनर आपको 44 भेज रही है, जिसको आप मतलब कैसे पहनोगे, उसको तो ऑल्टरिंग करानी पड़ेगी, थोड़ी सी कलर भी वो डिफरेंट भेज देते हैं, वाइट से डायरेक्ट उन्होंने मुझे पिंक भेज दिया, तो ये सब मिशो में चलते रहती है। तो ये चीज़ माइंड सेट करके आप ले, बहुत ही रेयर होता है कि ये चीज़ें नहीं मिलती है, बट हाँ कलर मुझे पसंद आएगी। माय नेक्स्ट आइटम इज दिस वेरी ब्यूटीफुल मजेंटा पिंक कलर की कुर्ती, चिकनकारी कुर्ती। सो गाइज इस पर मैंने 3-piece सेट मंगाया है, मतलब फुल सेट मंगाया है, जैसे कुर्ती स्लेव दुपट्टा एंड प्लाजो। सो ये डिज़ाइन मुझे न्यू लगी, लास्ट ईयर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए मैंने इसे पिक करा है, और कलर भी थोड़ा डिफरेंट पिक करा है कि थोड़ा डिफरेंट कलर्स मैं आपको दिखा सकूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगी मुझे, और इस पर मीडियम साइज है, लार्ज नहीं है, तो मीडियम कुछ इतनी फिटिंग आती है मुझे आ रही है। फुल चिकनकारी वो आपको कुर्ती पे मिल रही है, एंड प्लाजो पे फुल थ्रेडवर्क मिल रही है जो बहुत ब्यूटीफुल है। स्लिप का साइज आप देख सकते हो, बिल्कुल कुर्ती से लगभग आसपास है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड सिफोन का पूरा दुपट्टा मिला है, ये मुझे 1000 रुपीज की मिली है, 1000 समथिंग की, हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही कंफर्टेबल है, जॉर्जेट मटेरियल है कुर्ती की, स्लिप की स्लिप और प्लाजो कॉटन मटेरियल है, दुपट्टा सिफॉन मटेरियल है, एंड वर्क आप देख सकते हो, यहाँ पे आयरन नहीं किया हुआ है स्लिप, सॉरी गाइज, बट मैं इसे ऐसे ही दिखा रही हूँ कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से मिलती है। फुल कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, हाईली रिकमेंड करूँगी। इस पर भी कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेके भी कलर्स ढूंढ सकते हो, या फिर मुझे कुछ कलर्स जो पसंद आएंगे अपने तो वो मैं आपको कोड दे दूँगी। आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। और एक चीज़ और, ये मैं
बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास वाइट दुपट्टा या इस तरीके के प्लाजो नहीं है और आप चिकनकारी बहुत पसंद करते हो तो कुछ ऐसा कलर ले लो, लाइक वाइट ले लो या ब्लैक ले लो, एक फुल सेट ले लो, उसको आप 2-3 चिकनकारी में पहन सकते हो। लाइक अगर ये सिंगल चिकनकारी कुर्ती मैं मंगाई, आगे इसके आगे आपको दिखेगा, मैंने इसका सेम ब्लैक कलर मंगाया है, वो मुझे 500 या 600 के अंदर मिली है सिर्फ कुर्ती, और ये पूरा सेट मुझे 1000 रुपीज़ की मिली है। तो एक में आप इन्वेस्ट करो और जो कुछ कुर्ती है वो आप सिंगल मंगा लो या स्लिप के साथ मंगा लो, सेम प्लाजो दुपट्टा के साथ आप वेयर कर सकते हो, तो कुछ पैसे ऐसे भी आप बचा सकते हो। माई नेक्स्ट आइटम इज द सेम कुर्ती, जो अभी मैंने मैजेंटा कलर दिखाया उसी का सिर्फ कुर्ती मैंने मंगाया है, एंड ये मुझे 500 से 600 के बीच में मिली है। आपको सेम कुर्ती मिल रही है, स्लिप मैंने खुद का वेयर करा है, सेम ब्लैक एंड ऑल ओवर कुर्ती में सेम वर्क आपको मिल रहा है, बस इस पर आपको सेट नहीं मिल रही है, लाइक दुपट्टा प्लाजो ये सब नहीं मिल रहा है और उस पर मिल रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी गाइज कि एक सेट आप ले लो और 2-3 इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में कुर्तीज़ ले लो और उसको डिफरेंट डिफरेंट चिकनकारीज़ के साथ पहनो, इससे आप बहुत सारे पैसे बचा लोगे और सस्ता भी बहुत पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन में आपको 2 सिमिलर कुर्ती आपको दिखाई है कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल लुक रखा है मैंने, एक सिल्वर ज्वेलरी डाली है, ओपन हेयर रखे, आप टाई भी कर सकते हो या फिर सिल्वर ज्वेलरी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो। ये कुर्ती सेट भी बहुत सुंदर है, एंड ब्लैक तो वैसे भी बहुत गॉर्जियस लगती है, इसे ब्लैक प्लाजो के साथ या पैंट के साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, इवन ब्लैक के साथ ये ज़्यादा बेटर लगेगी, बट मैंने क्योंकि इससे पहले वाइट पहना था इसलिए सिमिलर पैंट में मैंने आपको दिखाया। सो मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगे, एंड सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। माई नेक्स्ट सेट इज़ दिस 2-piece सेट, इस पर आपको कुर्ता मिल रहा है एंड उसके साथ आपको प्लाजो मिल रही है। सो ये थोड़ी डिफरेंट फोटो में मुझे लगी और आई गेस मुझे रिसीव दो डिफरेंट हो या मटेरियल का कोई फ़र्क है, जो भी है चिकनकारी कुर्तीज़ में तो 19-20 होता ही है, ये मैंने नोटिस कर लिया है मीशो पे। सो ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है चिकनकारी का, बट बहुत ब्यूटिफुल लगता है, लाइक कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। तो साइड पर आपको भी वर्क मिलेगा, पूरी स्लीव्स मिलेगी, पूरी कुर्ती पे मिलेगी, खुद का स्लिप मैंने वेयर करा है, और इसका जो प्लाजो है उसका वर्क तो बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत वर्क किया हुआ है, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बट मुझे प्रॉब्लम इस बात से हुई कि मैंने लार्ज साइज़ मंगाई है और वो मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो रही है। लाइक आप देख सकते हो प्लाजो का जो साइज़ है वो बहुत कम है और यहाँ थाई के पास बहुत ज़्यादा फिटिंग है, बैठ भी नहीं पाओगे आप, इवन लार्ज साइज में आप नहीं बैठ पाओगे, तो आप अगर मीडियम मंगाते हो तो क्या ही फिर बात ही नहीं करनी है। तो इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं आई, मैं इसे रिकमेंड भी नहीं करूँगी, बट अगर ये कुर्ती आपको पसंद है तो मैं बोलूँगी कि आप शरारा वाला प्लाजो इस पर लो, उसका भी कोड मैं आपको दे दूँगी, वो आप चेक कर लेना, इसके साथ वो ज़्यादा बेटर लगेगी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। बट ये लुक जुड़ा करके और ऐसे ब्लैक ज्वेलरीज ना बहुत स्मार्ट लगते हैं, तो ये लुक मुझे बहुत पसंद आया, बस प्लाजो को रिप्लेस कर दो, कुछ और ले लो, जिसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये लुक कैसी लगी आप कॉमेंट में बताएं। टुडेज वीडियो, आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रा यू नो कॉमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इनकेस अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उनका पूरा रिप्लाई करूंगी। एंड ये जो कुर्ती मैंने पहना है ये लिबास कुर्ती है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो पसंद आई तो गाइज प्लीज लाइक कर देना, लाइक करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड आपकी कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हो कुछ भी रिगार्डिंग आप कमेंट जरूर से करो, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।